दोस्तों, आज की क्वेश्चन आंसर की सीरीज में पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं चंद्र कुमार जी का। इन्होंने लिखा है कि इनकी बहन के ऊपर कुछ क्रिया करी हुई है, उसके लिए कोई उपाय या वीडियो बनाएं। इन्होंने ये सब पूछा हुआ है, तो देखिए, इसके लिए मैंने पहले काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं। एक मैं आपको डायरेक्ट उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, दो नींबू लेने हैं, पीले वाले दो नींबू, चार जायफल, चार लौंग के जड़े और कपूर। इस सारे सामान को अपनी बहन के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उतारना है और माता काली के नाम से ये प्रार्थना लगानी है कि भोग हे माता काल का आपके नाम से हम दे रहे हैं। और फिर दोनों नींबू को बीच में से काट के उसके ऊपर एक एक लौंग का जोड़ा, कपूर और जायफल रख दें और जला दें। ये प्रयोग 4 से 7 दिन करें, तत्काल आपकी बहन को लाभ मिलेगा। और कोई समस्या हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है प्रीति खुशवाहा जी का। इन्होंने पूछा है कि अगर अपने ही घर का कोई व्यक्ति परेशान कर रहा हो तो क्या इस मंत्र से रिजल्ट मिलेगा। इन्हें शक है कि घर के किसी व्यक्ति ने कोई क्रिया करी हुई है। तो देखिए, व्यक्ति चाहे घर का हो या बाहर का हो या कोई भी व्यक्ति हो, जब भी हम किसी देवी देवता के माध्यम से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके मंत्र का जाप करते हैं, सुनते हैं और प्रार्थना के माध्यम से उनसे हम विनती करते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलता ही मिलता है। रही इस वाले मंत्र की बात, भैरव तंत्र की बात, तो जो विधि इस मंत्र के माध्यम से बताई गई है उस विधि का आप प्रयोग कर सकते हो। साथ ही में आप यह संकल्प लगाएं कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे ऊपर या मेरे परिवार के ऊपर किया हुआ हो, ये क्रिया उसी व्यक्ति के ऊपर चली जाए। ऐसा आप करते हैं तो आपको जल्द ही उस तरफ से कोई ना कोई खबर जरूर सुनने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न है स्वाति रस्तोगी जी का। इन्होंने पूछा है, हवन करने के बाद भी अगर सर में थोड़ा सा भी प्रेत रह गया हो तो उसका बंधन भी रहता होगा या नहीं। देखिए, आपने प्रश्न काफ़ी बार पूछा हुआ है और कमेंट के माध्यम से मैंने जवाब दिया है, आज मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर किसी भी प्रकार की मलिनता शरीर में रह जाती है या प्रेत पूरे तरीके से कटा नहीं है, तो शरीर में अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस हो रही है, इसका मतलब प्रेत का कुछ ना कुछ अंश तो अभी शरीर में बचा हुआ है। रही मलिनता की बात जो आपने बहुत बार पूछी है, तो मलिनता भी पूर्ण रूप से प्रेत का ही काम करता है। और अगर शरीर में समस्या हो रही है तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो बची हुई है 100%। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा आसन पर बैठकर अपने मंत्र का जाप करना है, इष्ट के मंत्र का, जहां से भी आपने इलाज कराया है। और नहीं तो आप अपने इष्ट के बीज मंत्र का जाप करें और पूरे दिन मानसिक उस मंत्र का जाप करते रहें, होंठ और जुबान नहीं हिलनी चाहिए। 2 घंटे आसन पर बैठकर माला के साथ जाप होगा और बाकी दिन मानसिक जाप होगा, आपको जो भी समस्या महसूस हो रही है वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है बलवंत सिंह जी का। इन्होंने पूछा है कि इनके घर पर कुछ जादू टोना कर दिया है, घर पर आधे नींबू में 14 लौंग लगी हुई थी, वो इनकी छत पर मिला, और जब से इनके घर पर ये मिला है तब से इनके घर में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बनाया था कि अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई जादू टोना किया हुआ मिले, तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट के मंत्र का जाप करके एक बाल्टी में पानी लेके उस पर फूंक मार के और उस पर डाल देनी चाहिए, ताकि उस चीज़ में जो भी क्रिया थी, जो भी प्रेत बाधा थी, वो तत्काल प्रभाव से शांत हो जाए और उसको वहाँ बिल्कुल भी ना पड़ा रहने दें। उसको उठाकर कहीं घर से दूर जरूर फेंक कर आना चाहिए और ऐसा उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो घर में थोड़ा जप तप करता हो, पूजा पाठ करता हो। इससे पहले अपने शरीर के ऊपर बंधन लगा लेना चाहिए जो भी व्यक्ति ऐसा करे। बंधन का मंत्र मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ।
आपको बंधन इस प्रकार से लगाना है, कोई किसी भी क्रिया को हटाने से पहले ओम नमः वज्र का कोठा, जिसमें पिंड हमारा पैठा, ईश्वर की कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों याम का यति हनुमंत रखवाला। ये मंत्र बोलकर दोनों हाथों पे तीन तीन बार फूंक मारें और अपने पूरे शरीर पर फिरा लें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि मेरे शरीर पर बंधन लगाएं, मेरे पूरे परिवार को सुरक्षित करें और मेरे घर को सुरक्षित करें, और उसके बाद उस क्रिया पर पानी डालकर इसे घर से दूर फेंक कर आ जाइए। क्रिया का कोई बुरा प्रभाव आप पर नहीं होगा। अगला जो प्रश्न है वो है दिया शाह जी का। इन्होंने लिखा है कि इनकी जो डॉटर है उसका नीट का एग्ज़ाम है 7 मई को है, उसका पेपर अच्छा जाए। उसके बाद इन्होंने कुछ समस्याएं लिखी हुई हैं अपने जीवन से संबंधित, कुछ समस्याएं लिखी हुई हैं इनके रिलेशन से संबंधित, आप स्क्रीनशॉट में पढ़ सकते हैं। देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम है, आप किसी भी सरकारी क्षेत्र में जाने के लिए किसी भी बच्चे का सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए। उस कंडीशन में अगर जो आपकी बेटी है सुबह जल्दी उठती है और सूर्य के समान सभी नियम फॉलो करती है तो निश्चित तौर पर उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बाकी जो आपने समस्या लिखी हुई है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। आप अपने इष्ट का मंत्र लें और संकल्प लगाएं कि आपकी जो बेटी है उसका एग्ज़ाम ये क्लियर हो जाए। और जिन भी लोगों पर आपको शक है तो आप अपने इष्ट से ये प्रार्थना करें कि जो भी गलत भावना रखता है आपके परिवार के प्रति, जो भी क्रिया भेजता है, जो भी जादू टोना करता है, उन सभी समस्याओं के समाधान हेतु मैं ये जाप करने जा रही हूँ। और संकल्प लेकर आप डेली जाप करें, कम से कम 21 माला रोज जाप करें, एक आसन पर बैठकर जाप करें, और जितना ज़्यादा आप जाप करेंगी उतना ही अधिक अच्छा रहेगा। इस प्रकार आपकी बेटी का एग्ज़ाम भी क्लियर होगा और आपके परिवार के प्रति जो लोग गलत भावना रखते हैं उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। अन्य कोई प्रश्न हो तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है दिलीप जैन जी का। इन्होंने पूछा है, मेरा बेटा मेरे पास नहीं रहता तो मैं उसके ऊपर कैसे करूं, जादू कैसे निकालूं। देखिए, ये प्रश्न मैंने इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार आए हैं। ऐसे भाई बहन जिनका कोई बच्चा, कोई माता पिता, भाई बहन उनके पास नहीं रहते और आपको ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की कोई क्रिया या जादू टोना कर दिया है, तो आपको क्या करना है, जाप करना है। अपने इष्ट देव के नाम से आपको 2 अगरबत्ती या धूप बत्ती जला दें और हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें। संकल्प कैसे लेते हैं ये मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, फिर से बता देता हूँ। सीधे हाथ में जल लें, जिस हाथ से ज़्यादा काम करते हैं उस हाथ में जल लें। उल्टे हाथ की 5 उंगली डुबोकर संकल्प लगाएं कि ये जाप मैं इस समस्या के समाधान हेतु कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रभु मेरे जाप को स्वीकार करें। और जैसा दिलीप जैन जी ने पूछा है, इनको बोलना है इनके बेटे का जो भी नाम है उनका नाम बोलकर ये जाप उसको जाके लगे और यदि उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई क्रिया या मलिनता है तो वो समाप्त हो जावे और उसके नाम से कुछ चैरिटी करें तो निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। अगला प्रश्न है ममता देवी जी का। इन्होंने पूछा है कि 20 साल पहले कोई करवाया हुआ हो तो ख़त्म कैसे होगा। देखिए, एक बात मैं यहाँ बता दूं कि जो भी क्रिया 5 साल से ज़्यादा पुरानी हो जाती है या किसी भी प्रकार का कोई भूत प्रेत जिन चुड़ैल आदि किसी के शरीर में है और वो 5 साल से अधिक हो गया है तो वो उस व्यक्ति के शरीर में रम जाता है। आपने यहाँ प्रश्न किया है 20 साल का, तो 20 साल के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई चीज़ रम जाती है तो वो बहुत जल्दी नहीं निकलती। यानी मतलब ये है कि आपने अगर एक दिन कोई उपाय करा तो आपको आराम ज़रूर मिलेगा लेकिन वो चीज़ पूरे तरीके से कटेगी नहीं। हो सकता है 1 महीने के प्रयास के बाद आपको पूर्ण रूप से अच्छा महसूस होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि आप पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं, लेकिन उस चीज़ के अंश शरीर के अंदर रहते हैं। इसीलिए उस चीज़ को पूर्ण रूप से ठीक करने के लिए कुछ प्रकार के उतारे, हवन क्रिया और रेगुलर जाप ज़रूर चलेगा। यानी कि आपका जो जाप है वो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। बहुत से भाई बहन कई प्रकार के भगत के यहाँ जाकर इलाज करा लेते हैं लेकिन उसके बाद फिर से उन्हें समस्या हो जाती है क्योंकि वो स्वयं से किया हुआ जाप नहीं करते। आप जो जाप करते हैं उसे कंटिन्यू रखना है,
मतलब आसन पर बैठकर तो जाप करना ही है, साथ में मानसिक जाप अलग से करना है, साथ में आपको गरीब लोगों की ज़रूर मदद करनी है। एक उपाय बता रहा हूँ, हॉस्पिटल के बाहर जाकर आपको चैरिटी ज़रूर करनी है, चैरिटी से कर्म कटते हैं और ये काम आपको ज़रूर करना ही करना है। ऐसे भाई बहन जिनके कोई कमेंट नहीं आए, वो जो मैं यहाँ जब प्रश्नों के जवाब दे रहा हूँ उनके माध्यम से अगर आपका भी इसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप मेरे द्वारा बताए गए उपाय कर सकते हैं, अन्यथा आपका कोई विशेष प्रश्न है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। जय श्री राम।